युवाओं का जो कारवां है, इन युवाओं के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, और अगर लगे कि ठीक लिखती हैं, और अगर लगे कि ठीक लिखती हैं, तो देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, लोग मेरे काव्य से इतना प्यार करते हैं कि जब हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे थे, तो मैं और मिलन रात को 12 बजे शंगाराम बुद्ध विहार पे के सामने नीचे बैठ गए, क्योंकि हमें 3 दिन से 1 भी रुपया कहीं से चंदे में नहीं मिला। लोग हमारी मजाक बनाते थे। मिलिंद कहने लगा, बोले राहुल यार ऐसे कैसे काम चलेगा, हम प्रोग्राम को कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं कि हम लोग जिन जिन लोगों से हमने पैसा लिया उनका वापस कर देते हैं, और जो हमने स्टेशनरी छपाई है 10-12 हज़ार रुपये का, इसका नुकसान उठा लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई मिलिंद, प्रोग्राम तो होगा, अब नुकसान 15 हज़ार का नहीं 1.5 लाख का उठाएंगे, लेकिन करके उठाएंगे। ये हमारी युवाओं की सोच थी, और मुझे सिर्फ एक घमंड था, आज जो ये समूह यहाँ बैठा है, मुझे एक फख्र था कि मैं काव्य के माध्यम से लाखों लोगों के दिल पे राज करता हूँ, और अगर मैं एक फेसबुक पर कमेंट्स करूँगा कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ और मुझे 100-100 रुपये दो, तो मैं 10 लाख इकट्ठे कर दूंगा, आप लोगों पर इतना घमंड था मुझे। और हुआ, इस प्रोग्राम की फंडिंग 70% NCR से हुई है। मैं 4 लाइनें दूंगा कि युवाओं का के बहुत बड़े कवि मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझसे स्पेशल कहा राहुल चुनाव लड़ाएंगे,
पैसा देंगे, मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। मैंने एक ही बात कही थी कि इस दलित समाज का एक एक बच्चा राजनीति नहीं करता, सिर्फ मिशन की बात करता है, और राजनीति करता है तो सिर्फ इसलिए करता है कि वो बाबा साहब की विचारधारा को भारत की राजनीति में जीवित रख सके। साहब हम तो कहते हैं, हम पे आरोप लगाने वालों से मिलिंदर जी को कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते, हमें कहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए काम करते। आज हम इस मंच से कहते हैं सारे युवा कि जब पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था, समझना बात की गहराई को, जब पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पेंट नीला था, जब पैदा हुए तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पेंट नीला था, और जब 17 साल की उम्र में लड़ने के लिए नट चाहिए था तो जिस संगठन के नीचे काम करा समता सैनिक दल, उसका झंडा नीला था, और अगर जीवन में पहली बार वोट दिया तो उस राजनीतिक दल का झंडा नीला था। और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदे हैं मिशन के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि नीले रंग में हमें बाबा साहब का मिशन दिखाई देता है, और मरने के बाद कफन नीला होगा, इससे बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट बंद कहता हूं, हम भीम मिशन के सिपाही हैं, ये सारे भीम मिशन के सिपाही हैं जितने लोग यहां पर खड़े हैं, हम भीम मिशन के सिपाही हैं, बुध में तेरा तरन्नुम आई है, दोनों आई हैं, हम भीम मिशन के सिपाही हैं, बुध में तेरा तरन्नुम आई है, हम सबको, हम भीम मिशन के सिपाही हैं, बुध में तेरा तरन्नुम आई है, हेमंत के गानों की चाहत हम सबको खींच कर लाई है, है? हम भीम मिशन के सिपाही हैं, बुध में तेरा तरन्नुम आई है, हेमंत के गानों की चाहत हम सबको छीन, हम सबको खींच कर लाई है, गाना शशि का हर बार बार के, गाना शशि का हर बार अब बजता जाएगा, ये मिशन भीम दिन रात चढ़ता जाएगा, हम युवाओं का साथ बढ़ता जाएगा। और हमारे कुछ साथी हैं, उनका भी नाम ले लेता हूं। ये जो टीम है लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम, जिस बैनर के तले ये प्रोग्राम हो रहा है, ईच लाइफ केयर फाउंडेशन, उस बैनर के अध्यक्ष भाई मिलिंदर गौतम और हम सब युवा साथी, भाई मिलिंदर ने एक सपना देखा था, मेरी फर्स्ट मुलाकात 6 जुलाई को हुई थी साउ ऑडिटोरियम के प्रोग्राम में, धमपत सत्य का खजाना के विमोचन पे मुझे भाई साहब ने सपना दिखाया, मेरी भी चाहत थी युवाओं के लिए कोई मंच हो। हम 3.5 आदमी हैं साहब, मिलिंदर, राहुल, नरेंद्र मोहन, राजेश और आधे बीपी सिंह हैं, क्योंकि 3 दिन में हॉस्पिटल से आए हैं आज, तो आधा ही गिनता हूँ मैं तो, लेकिन 3.5 आदमियों ने ऐसा काम कर दिया। एक और बंद देता हूँ, इस टीम का नाम मिलिंदर है। लोग हमसे कहते हैं जी कौन सी टीम के लिए काम कर रहे हो, मैंने कहा भाई हमारी टीम का नाम जो वो मिलिंदर है, और वो इसलिए, अभी मेदांकर साहब बता रहे थे राजा मिलिंद हुआ था, जिसका राजा मिलिंद हो वो टीम काम कभी खराब कर सकती है, हमने राजा को अपने यहाँ चपरासी रखा है। इस टीम का नाम मिलिंदर है, इसके बाहर कुछ अंदर है, बताता नहीं है चले मालती कई सरप्राइज दी। इस टीम का नाम मिलिंदर है, इसके बाहर कुछ अंदर है, बीपी सिंह की हिम्मत से यहाँ टकराता रोज नरेंद्र है, रोज लड़ता है बीपी सिंह से। इस टीम का नाम मिलिंदर है, इसके बाहर कुछ अंदर है, बीपी सिंह की हिम्मत से यहाँ टकराता रोज नरेंद्र।
जिम्मेदारी है। राहुल की कविता आज कि राहुल भी कविता आज पढ़ता जाएगा, ये मिशन भी मोदिन रात पढ़ता जाएगा, हम युवाओं का साथ पढ़ता जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, कभी को बहुत कम लोग खेलते हैं लेकिन आपने मुझे खेला है।